اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي। सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलका सबा ने कहा ना कि ये हदीये वदीये ले लो और अब चुप करके बैठ जाएं, मुझे दोबारा तबलीग ना करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे गिफ्ट वापस किए क्योंकि इंसान की तरफ से आए थे ना। बादशाह को गिफ्ट मिल रहा है एक बादशाह की तरफ से बतौर रिश्वत के। मलका सबा कहना चाह रही है कि आप दोबारा मुझे तबलीग की कोशिश ना करें, पैसे चाहिए ये लें, ठीक है ना। भाई यार क्या हो गया, आप लोग यहाँ कुछ ऐसे देख रहे होते हैं जैसे इन्होंने कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना ही नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका, जल्दी से बता रहा हूँ ताकि बयान बस बहुत लंबा हो गया, ख़त्म कर रहा हूँ बयान। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को ख़त लिखा, हुदहुद ने आके बताया इतनी बड़ी हुकूमत है, सूरज को सरदा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को हुदहुद के ज़रिए ख़त भेजा, अल्लाह तआलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, इन शॉर्ट बात कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, इन्नहु मिन सुलेमान, सुलेमान की तरफ से ये ख़त है, अल्लाह तआलू अलैया सरकशी मत करो, वातूनी मुस्लिमीन, बंदी बन के चली आओ। वो एकदम डर गई, भाई ये कौन सा अंदाज है भाई, ये तो बहुत ही कोई पावरफुल बादशाह हो तो इस स्टाइल में बात करेगा ना भाई, कमज़ोर आदमी तो पूरी किताब लिख के भेजेगा, फिर एक्चुअली कहेगा एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता था एक्चुअली। जैसे हम अमेरिका से जब बात करते हैं तो हम कैसे बात करेंगे, सर प्लीज़ आप देखिए थोड़ा सा बजट हमारे लिए भी कुछ रखें, एक्चुअली हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, हम बड़ी लंबी चौड़ी बात करेंगे ना। लेकिन मिसाल का पावर होती है, फिर उसका स्टाइल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे वो एक आदमी ने किसी को चाकू दिखाया कि तेरी जेब में जो कुछ है निकाल ले, उसने बंदूक निकाल ली, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब तेरी जेब में जो कुछ है और अगर बंदूक जेब में ना होती तो वो क्या कर रहा होता है, एक्चुअली देखें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मेरा अभी मोबाइल मैंने ख़रीदा, ये लंबी चौड़ी बात कर रहा होगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि पावरफुल थे तो मलका सबा भी पावरफुल थी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जितनी नहीं थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर भेजा, अल्लाह तआलू अलैया सरकशी मत करो, व अतूनी आ जाओ मुस्लिमीन, फरमा बरदार बन के तमीज से, बाकी डिस्कस हम खाने पर करेंगे, डिनर पर हम बातचीत करेंगे कि मैंने आपको बुलाया किस सिलसिले में, ठीक है ना। तो वो सिलसिला ये है कि आप सूरज की इबादत छोड़ दो, तौहीद पे आ जाओ, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है इसी काम के लिए, इसी सिलसिले में मैंने आपको बुलाया था, समझते हो। तो मलका सबा को अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो बड़ा अजीब अंदाज़ है इनका। तो मलका सबा ने क्या सोचा कि शायद इनको पैसों की लालच वालच हो, तो मैं इतने कीमती गिफ्ट इनके पास भेजती हूँ कि दोबारा इस किस्म का लेटर नहीं भेजेंगे। जैसे कराची में जब भत्ताखोरी चल रही थी ना, तो किसी बदमाश का दुकान पे फ़ोन आता था, इतने पैसे लेके फलां जगह पहुँच जा, वो पहुँच जाता था बेचारा थैला लेके, सर ये हैं, आइंदा मैं खुद ही पहुँचा दिया करूँगा, आप फ़ोन करने की जहमत ना फरमाएं। तो मलका सबा ये समझी कि शायद ये भी माज़ल्ला लालची हैं, इनको पैसे वैसे चाहिए। तो जब वो आए ना हदीये वदीये करोड़ों रुपए के हदीये लेकर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सारे हदीये जमा कर लिए, लाओ भाई यहाँ लशाबश भाई गोदाम भरे भाई, चल गोदाम का दरवाज़ा खोल माल लोड कर। अय्यूब अलैहिस्सलाम तो यही कर रहे थे ना कि वो चादर में सारी टिड्डियाँ जितनी भी गिरी हैं कि एक भी ना रह जाए, सारी जमा करो, एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो ये कर सकते थे ना कि भाई सारा माल जमा करो, ना 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 ना, क्योंकि वो इंसान की तरफ से था ना और बादशाह की तरफ से था, एक मलका की तरफ से अपनी धौंस जमाने के लिए। तो कह रहे हैं भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्फाज क्या कहे, इरजे इलैहिम, कहा कि फलन अतुमिदूननी बिमालिन, पैसे देना के मेरी मदद करना चाहते हो, फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मेरे रब ने जो मुझे नेमतें दी हैं वो तुमसे बेहतर, मैं तुम्हारे टुकड़ों का मोहताज नहीं हूं। देखो इंसान जब इंसान से बात करे तो इस स्टाइल में बात करे, बड़ों से ना शुरू कर दें, अब्बा से कहीं, अब्बा आपको पैसे दे रहे हैं, अब्बा मैं आपके टुकड़ों का, छोटों की अपने जैसों से, जो मोहब्बत से गिफ्ट दे रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो धौंस जमाने के लिए दे रहा हूँ ना, तो खरीदने के लिए आपको, उसके साथ यही स्टाइल होना चाहिए, अबे अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, तुम्हारे टुकड़ों के मोहताज नहीं है, समझते हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारी नेमतों से बहुत ज़्यादा,
بل انتم بهديتكم تفرحون, اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو, دھونس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے, شو بازی میں آئے ہوئے ہو. پھر کہنے لگے ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے, اور اب خط نہیں آئے گا, اب خط نہیں آئے گا. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, اب لشکر آئے گا اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. والا نخرجنہم منہا اذلتن, سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں. وہ ڈر گئی, بھائی یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے. تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استغنا, کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا. اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی, وہ کون دے رہا تھا؟ وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے, تو ساری جمع کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب, کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا؟ ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ, میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, جتنا دے میں بھکاری ہوں. اب بھکاری کو آپ پیسے نکال نکال کے دیتا رہو نا, چھ مہینے کھڑا رہے گا, جائے گا نہیں وہاں سے, بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو. تو اللہ کو مخلوق, ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے, تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی, جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.